हरि ओम सुप्रभातम नमस्कार इदानीं वयं शास्त्री तृतीय वर्षस्य प्रथमपत्रस्य साहित्यदर्पणस्य दशमपरिच्छेदे अलंकार निरूपणम् इति विषयं पठिष्यामः। कविराज विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे प्रथम परिच्छेदे उक्तम् उत्कर्ष हेतव प्रोक्ताः गुणालंकार रीतयः। गुणास्तु शोभादायकाः अलंकाराश्च शोभावर्धकाः। तत्र काव्योत्कर्षकारकाः गुणाः उक्ता एव। इदानीं अवसरप्राप्ता अलंकारा उच्यन्ते। अलंकार सामान्य लक्षणं तत्र उत्तम विश्वनाथेन शब्दार्थयो रस्थिराये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीनुपकुर्वन्तो अलंकारास्तेऽङ्गदादिवत्। यथा अङ्गदादयः हारादयः शरीरस्य शोभातिशायिनः सन्तः शरीरिणम् आत्मानम् उपकुर्वन्ति। तथैव अनुप्रासोपमादयः शब्दार्थयोः शोभातिशायिनः शृङ्गाररसादीनाम् उपकारकाः कथ्यन्ते। त एव अलङ्कारशब्देन उच्यन्ते। अत्र अलङ्काराः अस्थिराः इत्यनेन येषाम् अलङ्काराणां काव्ये स्थितिः गुणानामिव आवश्यकी नास्ति इति अवगन्तव्यम्। शब्दार्थयोः अत्र शब्दस्य प्रथमं ग्रहणम् इति शब्दालङ्कारा एव प्रथमं वर्णनीयाः। तत्र प्रथमं शब्दार्थालङ्कारस्य पुनरुक्तपदाभासस्य शब्दालङ्कारेषु एव परिगणितत्वात् स एव प्रथमं वर्ण्यते। पुनरुक्तपदाभासालङ्कारस्य लक्षणं पश्यन्तु। आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्तेन भासनं पुनरुक्तपदाभासः स भिन्नाकारशब्दकः। अत्र प्रथमदृष्ट्या अर्थस्य पुनरुक्तवत् आभासो भवति। शब्दानां भवति आवृत्तिः, किन्तु ते शब्दाः भिन्नाकाराः भवन्ति। अर्थात् शब्दानाम् आकारस्तु आकृतिस्तु भिन्ना, किन्तु तेषाम् अर्थः समान एव। अत एव एवं प्रतीयते यत् अस्य पुनरुक्तिः भवति, किन्तु पर्यवसाने तस्य समाधानं जायते अर्थज्ञानानन्तरम्। इसको एक बार और समझे। साहित्य दर्पण में प्रथम परिच्छेद में आचार्य विश्वनाथ ने कहा था उत्कर्ष हेतव प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। गुण अलंकार और रीतियाँ ये जो हैं ये काव्य में उत्कर्ष के कारण कहे जाते हैं। अब काव्य के उत्कर्ष के जो कारक हैं, उत्कर्ष को जो करने वाले हैं, हेतु हैं उनके, वो तो गुण, उनका निरूपण तो अष्टम परिच्छेद में किया जा चुका है। अब और रीतियों का वर्णन भी नवम परिच्छेद में कर दिया गया और अब अलंकारों का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले अलंकार का सामान्य लक्षण आचार्य विश्वनाथ कर रहे हैं। तो शब्दार्थयोर् स्थिराय धर्माः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत्। इसको अलग अलग करके हमने यूँ बोला है, शब्द और अर्थ के यानी और उनकी शोभा को बढ़ाने वाले शोभातिशायिनः। ये अस्थिरा धर्माः, अस्थिर धर्म है, स्थिर नहीं है। स्थिर धर्म तो गुणों को कहा गया, ये अस्थिर धर्म है। जिस प्रकार से काव्य में गुणों की स्थिति आवश्यक है, उस प्रकार से अलंकारों की स्थिति आवश्यक नहीं है। क्योंकि रस जो रसादि रस भावादि जो काव्य का आत्मा है,
उनके धर्म गुणों को कहा गया है। तो इसलिए गुणों की स्थिति तो जब आत्मा रहेगा तो आत्मा के साथ उसके धर्म भी रहेंगे, तो गुणों की स्थिति तो काव्य में आवश्यक है, किंतु अलंकारों की स्थिति गुणों के समान आवश्यक नहीं है। तो रसादीन उपकुर्वन्तः ते अलंकारः, कैसे? अंगदादिवत, कहते जिस प्रकार से अंगद यानी बाजूबंद, हार, कंकण, इस प्रकार के जो अलंकार हैं वो शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, और शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए ही आत्मा का भी उपकार करते हुए प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार से अनुप्रास और उपमा आदि शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाने वाले हैं, और जो काव्य का आत्मा श्रृंगार आदि रस हैं उनके भी उपकारक होते हैं, इन्हें अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर शब्द और अर्थ में से शब्दार्थयोः जहाँ कहा गया वहाँ शब्द और अर्थ, पहले शब्द का ग्रहण किया गया है इसलिए पहले शब्दालंकार का वर्णन किया जाना है। और जो शब्दार्थालंकार है पुनरुक्त बदाभास, वह भी शब्दालंकारों में ही उसकी गणना की जाती है, इसलिए सबसे पहले उसी का वर्णन करते हैं। लक्षण है आपाततो यदर्थस्य पुनरुक्तेन भासनम पुनरुक्त बदाभासः स भिन्नाकार शब्दगः। अभिप्राय यह है कि जहाँ पर आपातता माने प्रथम दृष्टया, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थ की पुनरुक्ति हो रही है, ऐसा आभास होता है, वहाँ शब्द तो भिन्नाकार वाले रहते हैं किंतु ऐसा लगता है कि अर्थ की पुनरुक्ति हो रही है, तो और अंत में उसके समाधान के रूप में उसका जो परिहार होता है उसमें उसका अर्थ जब हम देखते हैं तो उसका परिहार हो जाता है। इसे कहते हैं पुनरुक्त पदाभासः, पुनः उक्तवत आभासः, दोबारा कहे गए के समान जहाँ पर आभास होता है, ये अलंकार है। इसका उदाहरण देखें, भुजंग कुंडली व्यक्त शशि शुभ्रांशु शीतगुहु जगंत पिथदापाया दव्याचेतो हरः शिवः। यहाँ पर भुजंग कुंडली इत्यादि जो शब्द हैं तो ये भुजंग का भी अर्थ सर्प है और कुंडली का भी अर्थ सर्प है, तो प्रारंभ में लगता है कि दुरुक्त की गई है। और व्यक्त शशि शुभ्रांशु शीतगुहु, यहाँ पर भी शशि चंद्रमा, शुभ्रांशु श्वेत किरणों वाला चंद्रमा, शीतगुह शीतल किरणों वाला चंद्रमा, तो शशि शुभ्रांशु शीतगुह ये तीनों ही शब्द और चंद्रवाचक हैं। ऐसे ही जगंत सदा पाया दव्यात् चेतो हरः शिवः, हरः शिवः, हरः ये भी शिव का वाचक और शिव शिववाचक है ही, तो लगता है यहाँ भी इसकी पुनरुक्ति हो रही है। ऐसे ही जगंत यानी संसार को सदा सर्वदा, अपायात यानी विघ्न से अभ्यात रक्षा करें भगवान जो है चेतोहर, चेतोहरः यानी मन का हरण करने वाले भगवान शिव संसार की सर्वदा विघ्नों से रक्षा करें। तो यहाँ पर एक को देखते भुजंग कुंडली, तो भुजंग कुंडलम यस्य सः, पहले तो लगा दोनों का सर्प है पर अर्थ क्या निकला, भुजंग है कुंडल के रूप में, जिनके जिनके कानों में कुंडल के रूप में सर्प विद्यमान है, ऐसे भगवान शिव का विशेषण है। शशि शुभ्रांशु शीतगुह कर्पूर के समान है, या जो शश है ये शशि क्या है, ये खरगोश का चिन्ह होता है जिसमें कलंकी चंद्रमा के लिए कहा जाता है, तो ऐसा शीतल किरणों वाला जो चंद्रमा है वह, और उसके जिनके सिर पर व्यक्त यानी प्रकट रूप से विद्यमान है, शोभा बढ़ा रहा है, ऐसा ऐसे हरह है चेतो हरह शिवा, हरह शिवा दो बार तो कहा गया लेकिन वो चेतो हरह यानी मन का हरण कर लेने वाले, मनोहर दिखाई पड़ने वाले भगवान शिव सदा अपायात। अब यहाँ सदा को अलग करें तो पायात आता है, यहाँ क्रिया क्रियागत पुंडुक्त बदाभास है, पायात और अभ्यात दोनों का अर्थ निकलता है रक्षा करें, लेकिन सदा को अलग करके अपायात संधि विच्छेद करेंगे तो अपायात अर्थात विघ्नात्, अभ्यात अर्थात रक्षतु, भगवान शंकर विघ्न से रक्षा करें। तो जब यहाँ पर इसका अर्थ निकालते हैं तो इससे ये प्रतीत हो जाता है कि यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं हो रही है, तो प्रारंभ में और लगता है कि पुनरुक्ति हो रही है और बाद में पुनरुक्ति होती भी नहीं प्रतीत होती अर्थ निकालने के बाद में। यहाँ पर देखें भुजंग कुंडली में, इसमें भुजंग का तो आप परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन कुंडली का नहीं कर सकते, हरह शिव में से शिव का परिवर्तन कर सकते हैं, हरह का नहीं कर सकते,
शशि शुभ्रांशु, इसमें दोनों का ही परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर शब्द का जो परिवर्तन है, कहीं पर तो उसे सहन कर लिया जाता है और कहीं सहन नहीं किया जाता है। ऐसे दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, इसलिए इसे उभयालंकार यानी शब्दार्थो भयालंकार कहा गया है। धन्यवाद, नमस्कार।